डर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मुबशरा मंजूर वेलकम टू माई क्लास वेर वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर साइंसिस ऑफ ग्रेट ट्वेल्व सो आज का टॉपिक हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़स का दैट वी आर कमिंग टू एन एंड वर चैप्टर एट ऑफ द बुक तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ क्या हैं इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स देखे जिसमें हमने ये देखा कि प्रोग्रामिंग एरस क्या होते हैं हमने ये देखा कि सी लैंग्वेज को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं सी लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्मैट्स क्या हैं स्ट्रक्चर क्या है उसके प्रोग्राम का और फिर हमने ये भी देखा कि वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो था उसके फर्दर कॉम्पोनेंट्स क्या क्या थे सो so, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स क्या क्या होती हैं क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो हायर लेवल लैंग्वेजेस और लोअर लेवल लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं और क्यों उनकी इम्पॉर्टेंस है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो हमने देखा स्टूडेंट्स के लास्ट टाइम Uh, हम देख रहे थे कि डिफरेंट सी लैंग्वेज़ के क्या क्या फ़ीचर्स हैं सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट uh, में या ये कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है आपको प्रोग्रामिंग uh, का बेसिक स्ट्रक्चर हमने अंडरस्टैंड किया था और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट तरह के एरर्स क्या क्या हो सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ क्या क्या हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं और वो किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं उनके डिफरेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं सो so, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ मशीन सो एक डेवलप्ड सेट ऑफ रूल्स जो हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर सर्टन परपज इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम देखें तो हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप आ, किसी भी बुक में देखें या आप बहुत सारी किताबों को भी स्टडी करें तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद डायरेक्टली बुक्स में नहीं मिलेंगी और वो ये होगी कि हायर लेवल और लोअर लेवल, लेवल लैंग्वेज को डिवेलप करने का क्या मकसद था या किस चीज़ को हम कहते हैं कि ये लोअर लेवल लैंग्वेज है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि क्लोज़र टू हायर लेवल लैंग्वेज है मैं आपको एक बहुत बेसिक सा रूल बता देती हूँ वेनएवर यू आर वर्किंग क्लोज़र टू द हार्डवेयर यू ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ लोअर लेवल लैंग्वेज जब भी आप बहुत ज़्यादा हार्डवेयर से करीब हैं आप बहुत आर्किटेक्चर uh, लेवल पे कंप्यूटर के काम करना चाह रहे हैं उस लेवल पे जाके मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं सो so, अभी तक लोअर लेवल लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री में या बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें यूज़ होती हैं बट ऑन दी अदर हैंड हायर लेवल लैंग्वेज आर ऑल्सो डिवेलप्ड वो क्यों हुआ और हायर लेवल लैंग्वेजेस आप देखेंगे कि वन आफ्टर दी अदर आती रहीं बहुत सारी लैंग्वेज uh, जो हैं वो डेवलप होती रहीं ओवर द टाइम जैसे कि सी है सी प्लस प्लस फोट्रॉन है पाइथन है, है बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बल्कि एच है सी है, है इतनी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो फिर इनके डेवलप होने का क्या मकसद था जब भी हम प्रोग्रामर स्पेसिफ़िक हो के बात करते हैं या हम यूज़र फ्रेंडली नेस की बात करते हैं या इजी टू प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज़्यादा रिलेटेबल हैं या यूज़ेबल हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक uh, जो आपका प्रोग्रामर है उसको ज़रूरत नहीं होती कंप्यूटर के आर्किटेक्चर तक जाके उसकी डिटेल्स तक को स्टडी करने की और समटाइम्स उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो इतनी ज़्यादा उसकी जो नेसेसरी डिटेल्स अननेसेसरी डिटेल्स हैं फ़ॉर एग्जांपल उसकी मेमोरी मैनेजमेंट क्या हो रही है उसकी आर्किटेक्चर टाइप क्या है आपने किस तरह का प्रोसेसर यूज़ किया है शायद ये चीज़ जब आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तब इन चीज़ों में जाने की आपको ज़रूरत समटाइम्स नहीं होती डिड नॉट हैपन ओवर नाइट ऐसे नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें ओवर नाइट जो है वो डिवेलप हो गई हैं दर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ ओवर अ सेंचुरी जिसमें ये सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं वो डिवेलप होकर वहाँ तक आई हैं जहाँ तक आप आज उनको देख सकते हैं इनिशियली क्या होता था जब कंप्यूटर डेवलप हुआ था मैंने आप लोगों को एक और वीडियो में भी बताया था कि आई बी एम इट्स फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किया था तो इट वॉज़ एक्चुअली साइज ऑफ अ फुल रूम उससे पहले भी जो डिफ़रेंट मॉडिफिकेशंस थी कंप्यूटर्स की उसमें पहले तो वो इलेक्ट्रो मकैनिकल थे उससे भी पहले वो बिल्कुल ही मैकेनिकल थे उसके बाद इलेक्ट्रो मैकेनिकल हुए इलेक्ट्रो मैकेनिकल के बाद जब डिजिटल लॉजिक का कॉन्सेप्ट आया कंप्यूटर साइंसिस में यूज़ करने का डिजिटल लॉजिक का मतलब ये कि आपने देखा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर लेवल पे हर चीज़ इज ऑपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वनज एंड जीरोज़ और वी कॉल इट अ मशीन कोड और वी कॉल इट अ मशीन लैंग्वेज और वी कॉल इट अ बाइनरी राइट तो हर चीज़ जो होती है वो वनस एंड जीरोज़ की फॉर्म में ही ऑपरेट होती है इट गिव्स यू सिम्पलिसिटी और इट गिव्स

के या तो मैनुअल स्विचेस यूज़ होते थे ऑन एंड ऑफ के लिए देखें ना वन एंड जीरो का मतलब है इधर देर इज़ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट इधर देर इज़ अ सिग्नल और नॉट अगर हाई है वन है तो उसका मतलब है कि वहां पे कोई ना कोई जो फिज़िकल सिग्नल है वो अवेलेबल है ज़ीरो का मतलब है नहीं है या लो लेवल सिग्नल है तो इस तरह की चीज़ों को ही आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू डिजिटल सिग्नल विच इज़ वन एंड ज़ीरो तो पहले पहले जो कंप्यूटर्स थे उसमें क्या होता था कि वो या तो मैनुअल स्विचिंग यूज़ करते थे एक तो साइज़ बहुत बड़े थे कंप्यूटर के तो मैनुअल स्विचिंग मींस मोर लेबर मोर पीपल आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू अ स्मॉलर टास्क जो कि अब हम सिर्फ फ्यू क्लिक से कर लेते हैं वो उसके लिए मैनुअली बहुत सारे लोगों को वो करना पड़ता था एफ़र्ट uh, करनी पड़ती थी और फिर उसके साथ क्या हुआ कि उसका साइज़ ऑब्वियसली कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता था फिर प्लस क्या हुआ उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स आना शुरू हुई वैक्यूम ट्यूब से डिजिटल स्विचिंग करवानी शुरू की गई जो कि उसका स्ट्रक्चर जो होता था वैक्यूम ट्यूब्स का वो होता था तकरीबन जैसे एक बल्ब होता है उसकी तरह का विच मीन्स कि आपने देखा होगा बल्ब में बर्न आउट रेट कितना ज़्यादा होता है यानी कि बल्ब जो है कुछ टाइम के बाद गर्म होता है और उसके बाद वो बर्स्ट भी हो जाता है कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो तो इस तरह के बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे स्विचिंग के लिए कंप्यूटर्स में जिसका नुकसान ये होता था कि बर्नआउट रेट बहुत ज़्यादा होता था जब बर्नआउट रेट ज़्यादा होता था तो उसका मतलब है उसको रिप्लेस करने के लिए उतना इक्विपमेंट चाहिए होता था उसको रिप्लेस करने के लिए उतने ही लोग भी चाहिए होते थे एंड इवेंचुअली साइज ऑफ द कंप्यूटर वॉज समथिंग अ ट्रेड ऑफ फिर क्या हुआ कि जब आपके पास ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई तो दैट बिकेम अ रेवोल्यूशनरी माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्योंकि होता क्या है कि आपके पास वही जो काम स्विचिंग का इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का यानी वन से ज़ीरो जीरो से वन के ऊपर जो स्विचिंग करवानी है वो इंस्टेड ऑफ़ हैविंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज रिलेज और अदर इक्विपमेंट वो क्या होता है एक छोटे से ट्रांजिस्टर से हो जाता है जो ट्रांजिस्टर का साइज़ आप देखें तो ये बिल्कुल इतना सा साइज होता है एक इट इज़ इन सेंटीमीटर्स ऑलमोस्ट तो ये एक छोटी सी डिवाइस जो है वो एक छोटे सर्किट के ऊपर भी वो फिट हो जाती है और आसानी से क्या होता है वो स्विचिंग करवा सकती है सो फ्रॉम देयर ऑन कोई लुक बैक नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्योंकि उसके बाद जो है वो स्पीड uh, अप ही हुआ है आपका जितनी भी एवोल्यूशन है कंप्यूटर्स की सो so जब आप रिलेट करते हैं जब आप हार्डवेयर के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको उन्हें जो लैंग्वेज uh, डेवलप करनी पड़ी उनको हम कहते हैं लोअर लेवल लैंग्वेजेस या उसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं एक तो मशीन लेवल लैंग्वेज है जो कि प्योरली मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है वन जीरोज़ की फॉर्म है और दूसरी लैंग्वेज एक और लैंग्वेज जो डिवेलप की गई थी दैट वज़ असम्बली लैंग्वेज राइट असम्बली लैंग्वेज जो है वो इट वॉज़ डिवेलप्ड आफ्टर द मशीन लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड या मशीन लैंग्वेज तो ऑब्वियसली इट इज़ And लेकिन वन एन जीरोज में आप देखें कि अगर आपको कोड वन एंड जीरो पड़े तो इट इज़ वेरी टीडियस इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसमें दो तीन चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी अभी जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि मेरे पास डेल का ऑपरेटर है मेरे पास क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ है कि मेरे पास इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है या मैं किसी ए आर एम प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहा हूँ दीज आर द थिंग दैट यू डोंट एक्चुअली बॉर्डर और यू डोंट एक्चुअली गेट टू नो अबाउट सिमिलरली जब आप फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर्स में तो अब आप ये नहीं सोचते कि हमने ये जो फाइल सेव करनी है ये इवेंचुअली कहाँ जा सेव होनी है कौन से मेमोरी एड्रेस पे कौन सी लोकेशन पे जाके सेव होगी बट इनिशियली जब आ, आपके जो प्रोग्रामर्स थे जो असेंबली लैंग्वेज के साथ प्रोग्राम करते थे दे यूज़ टू डू मेमोरी मैनेजमेंट एज़ वेल इंटेल के जो पुराने प्रोसेसर्स हैं उसमें उनको मेमोरी मैनेजमेंट भी करनी पड़ती थी सो so, अगर देखें हम तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जो क्लोज़र टू इंग्लिश लैंग्वेज थी अगर आप इंस्ट्रक्शंस भी कभी देखें असेंबली लैंग्वेज की तो दे आर रिलेटेड टू मूव एड इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत क्लोज़र हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गिव यूज़र फ्रेंडलीनेस और ईजी टू डिवेलप लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर uh, के लिए भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो और फिर बाद में उसे कन्वर्ट किया जा सके इन अ मशीन लैंग्वेज और वो ट्रांसलेटर जो होता है यानी जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू अ मशीन कोड उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं असेंबलर जैसे हमने कहा था जब सी में जो ट्रांसलेट करता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर इसी तरह इंटरप्रेटर भी होता है लेकिन असेंबली मैंने आपको बताया था पहले भी कि कंपाइलर में क्या होता है कि आपका प्रोग्राम पहले कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में डॉट एस फाइल में और फिर कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट फाइल में तो असेंबलर क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में ही है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती बल्कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं असेंबलर इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इन टू अ मशीन कोड तो ये सबसे ईजियर ट्रांसलेशन है क्योंकि एक थोड़ी सी मीडियम लोअर लेवल लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करें हैं अ कंप्यूटर लैंग्वेज जो इसका सेंटेक्स होता है या जो इंग्लिश लाइक like, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी इनको हम निमोनिक्स भी कहते हैं इफ़ यू सी वी राइट इट विद एम लेकिन इसको आप कहते हैं निमोनिक्स निमोनिक्स एन से स्टार्ट होता है एम साइलेंट होता है तो ये जो इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन हैं उसकी जैसे मैंने आपसे कहा मूव हो सकती है एड हो सकती है इनको हम कहते हैं निमोनिक्स राइट right? इसके बाद आ जाती हैं हायर लेवल लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये कि ऐसी लैंग्वेज पहली तो बात यह कि हमें उसको डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी लोअर लेवल लैंग्वेजेस थी जिसमें मशीन लैंग्वेज थी जिसमें असम्बली लैंग्वेज थी जब आप बात करते हैं ओवर द टाइम प्रोग्रेस की इन टू कम्प्यूटर साइंसिस तो हम देखें कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया फिर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशन डिवेल्प करनी है जो वेब एप्लीकेशनस भी हो सकती हैं जो डेस्क टॉप एप्प्लीकेशन हो सकती हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती हैं तो इतनी सारी एप्लीकेशन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन कर रही हैं उनकी एप्लीकेशन बेस्ड डिफरेंट तरह की लैंग्वेज लैंग्वेजेस डेवलप हो गई जिसमें कोबॉल है जिसमें फोट्रॉन है जिसमें सी सी प्लस प्लस है पाइथन है जिसमें एच टी एम महल है सी एस एस है बहुत सारी ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि इवेंचुअली डिवेलप हो गई एंड दे आर डिवेलप कीपिंग इन माइंड कि उनको किस तरह की हमने एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है उनसे हमने बनाना क्या है जैसे सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है दे आर स्टिल यूज इन इन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स यानी जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर अभी भी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है

एनालिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है तो इस तरह से स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन डिफरेंट तरह के लैंग्वेजेस थी उनका डिफरेंट तरह का यूज़ था सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए भी हो सकती थी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी हो सकती थी और फिर ये कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस मीडियम पे आपने बनाना है कि क्या वो मोबाइल एप्लीकेशन है आपने देखा होगा कभी भी कि मोबाइल के लिए डिफरेंट तरह की आप लैंगवेजेस सुन रहे होते हैं एंगुलर है रिएक्ट है इस तरह की लैंग्वेज के नाम आपने सुने होंगे कभी और मोबाइल के लिए इंटरनेट बेस्ड वेब बेस्ड एप्प्लीकेीकेशन हैं उनके लिए आपने ऐसे नाम सुने होंगे सी एस इस तरह के नाम आप लोगों ने लैंग्वेज uh, के सुने होंगे इसी तरह जावा एक लैंग्वेज है विच हैज़ वेरी एक्सटेंसिव एडवांस मॉड्यूल्स जो कि आप बहुत सारी एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग हाई लेवल एप्लीकेशन आप उनको यूज कर सकते हैं सो so, जो लैंग्वेज हैं दे गिव यू और यूजर फ्रेंडली और ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन यानी ऐसा होता है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कोई गेम खेल रहे हो अगर उस गेम का जो इंटरफेस बना हुआ है उसको मैं जी कह दूँगी ये तो वो क्या होगा अगर वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है या बहुत ज़्यादा ऐसा है जो आपको बहुत एकदम से समझ में आ गया है और आपने उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी जल्दी जल्दी समझ आ रही हैं तो क्या आप वो गेम ज़्यादा खेलेंगे या वो वाली गेम ज़्यादा खेलेंगे जो कि रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे लोग अक्सर जो एप्स होती हैं या उनको इसलिए नहीं यूज़ कर पाते कि वो कॉम्प्लेक्स हैं इन नेचर सो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के केस में भी सेम है कि अगर वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं अगर वो ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली हैं यानी उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लाइक -like बहुत ज़्यादा है तो दे आर हाई लेवल लैंग्वेज अदरवाइज इफ़ इट इज़ मोर रिलेटेड टू और मोर्स मोर क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज दैन इट इज़ अ लोअर लेवल लैंग्वेज और हम मैंने आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस बताया था कि इफ़ यू आर वर्किंग विद द एप्लीकेशन बी सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप हमेशा जो है वो हायर लेवल लैंग्वेज़ को चूज़ करते हैं वैन इट कम्स टू लोअर लेवल लैंग्वेजेस तो दे आर मोर फॉर द एप्लीकेशन जो कि आपकी ज़्यादा रिलेटेड टू हार्डवेयर होती हैं या क्लोज़र टू हार्डवेयर होती हैं आप लोगों में से अगर किसी ने आर्डिनो को कभी यूज़ किया हो आर्डिनो एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है एक छोटा सा माइक्रोकट्रोलर होता है उसके ऊपर आप छोट छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके और कुछ वो बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं तो आप देखें कि उसका जो इंटरफेस होता है वो हमेशा सी लैंग्वेज में बना होता है क्योंकि वो दैट इज़ टू इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर जब हम बात करते हैं कि जब हमने क्लोज़र टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आना है तो फिर वील ऑलवेज़ गो फॉर हायर लेवल लैंग्वेजेस जब हम आ, कहते हैं कि हमने देख लिया कि टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं हमारी जो लैंग्वेज़ हैं उनकी तो हम देख लेते हैं कि जो हायर लेवल या लोअर लेवल लैंग्वेज हैं उनके कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं स्पेशली हायर लेवल लैंग्वेज जो हैं उनके फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं

विद दीज काइंड ऑफ लैंग्वेज आपके पास इन्हेंस uh, जो हैं वो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स जो हैं वो डिवेलप हो गए हैं तो आपको बहुत आसानी से uh, ये जो बग्स हैं वो uh, समझ में आ जाते हैं या आपको उनका रिस्पॉन्स मिल जाता है और फिर आप उसको मॉडिफाई ईजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपसे कहा कि इवन टर्बो सी प्लस प्लस में वो आपको क्या करेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरर भी देगा अंटेल एनलाइस वो लॉजिकल एरर है सो so, uh, जब हम बात करते हैं कि ये इजी टू यूज़ है इसके अलावा क्या uh, इसकी एक फ़ीचर ये हैं कि आप दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दे आर इजी टू लर्न एज वेल इंस्ट्रक्शंस की जब भी हम बात करेंगे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आपको इस सब्जेक्ट uh, में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का या सी लैंग्वेज सीखाने का मकसद ये है कि आप फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग को गो थ्रू करें नॉट द कोड आपका मकसद कोड्स को लर्न करना नहीं है बाय हार्ट आपका मकसद ये है कि आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करें यानी कि उनके बेसिक्स क्या हैं क्योंकि जब आपको बेसिक्स आती होंगी यू कैन अप्लाई टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते सकते हैं तो स्विच करना आसान है सिमिलरली एक बहुत मेजर इसका uh, जो फीचर uh, होता है वो ये होता है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ़ द आर्किटेक्चर ऑफ़ द कंप्यूटर यानी बहुत सारी ऐसे लैंग्वेज होती हैं कि जिनको आप uh, जब डेवलप करते हैं आ, आप हायर लेवल लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आपको ये टेंशन uh, नहीं होती कि आपने उसको क्या मोबाइल पे चलाना है या आपने उसको डेस्कटॉप uh, पे चलाना है या आपने उसको रन करना है ऑन एन ऑन एन इंटर प्रोसेसर या आपने उसको एक के uh, के के या एआरएम के प्रोसेसर ऊपर के uh, रन like uh, होती है जिस तरह आपके फोन पर रन होती हैं सिमिलरली ब्राउजर्स ठीक है उसका मतलब होता है कि दे आर क्रॉस प्लेटफॉर्म दे कैन बी इजीली अवेलेबल ऑन एनी अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशंस इन द प्रोग्राम तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है जब हम असेंबली की बात करते थे तो इट वाज डिफ़िकल्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि उसको मेमोरी मैनेजमेंट भी करनी पड़ती थी जो डेवलपर था उसको ये भी देखना पड़ता था कि उसने लास्ट मेमोरी लोकेशन कौन सी यूज़ की है इन इनिशियल प्रोसेस ऑफ इंटेल और फिर क्या होता है कि जब आप असम्बली लैंग्वेज की बात करते हैं विच इज़ अ लोअर लेवल लैंग्वेज तो उसमें क्या होता है कि यू एक्चुअली गो अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर क्योंकि जैसा आर्किटेक्चर होगा आप उसी लिहाज से तो उसमें प्रोसेसिंग करवाएंगे जितना आर्किटेक्चर स्टोर कर सकता है आप उतनी ही इंस्ट्रक्शन भेजेंगे इज़ इट मेकिंग सेंस टू यू कि जो आपका आर्किटेक्चर क्लोजेस्ट लैंग्वेज है उसका मतलब है कि उसमें आपको आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट इज़ अनदर फीचर जो आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस में मिलता है कि द डवेल्पर डज नॉट नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर और द प्रोसेसर उसको क्या होता है उसको सिर्फ ये देखना है कि मेरे टूल्स क्या क्या हैं जो यूज़ हो रहे हैं और उसको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है सो दीज़ आर सम ऑफ़ फीचर्स जो आपको हाई लेवल लैंग्वेज़स देती हैं दे आर वेरी ईजी टू यूज़ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज़ वेल एज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और होता क्या है कि आपको uh, बहुत आसानी के साथ आप उनको लर्न कर सकते हैं मैंने जैसे आपको पहले भी बताया द की इज़ टू लर्न द फंडामेंटल्स अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं तो उसका मतलब है कि आप वो फंडामेंटल्स किसी और लैंग्वेज में अप्लाई करके उसका सेंटेक्स लर्न कर सकते हैं एंड यू कैन गुड टू गो विद डैट सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा इन दिस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के हमारा जो जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या क्या टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हायर लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं लोअर लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं लोअर लेवल लैंग्वेजेस में फ़र्दर मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज थी और हायर लेवल लैंग्वेजेस में हमने देखा कि देर आर अ लॉर ऑफ़ लैंग्वेजेस फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सी पाइथन सी प्लस प्लस फोट्रॉन कोबॉल एच टी एम एल सी एस एस इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं विच आर एक्चुअली यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद दिस आर चैप्टर इज एक्चुअली एक्सलीड और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर